आप कुछ काम कर रहे हैं सडनली आप अपने फोन में देख रहे हो वन 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 ये एक एंजल का मैसेज है कि तुम बहुत आगे जाओगे बट पॉजिटिव रहो ठीक है अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं गाड़ी में निकले हो कोई काम से सडनली आप गाड़ी के सामने अपने एक गाड़ी का नंबर देखोगे सेवन 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 इसका मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा विच विल बी मेराक्यूलस अगर आप आ, आ, कहीं पे थ्री 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 देख रहे हो जैसे आपने क्या देखा वन टू वन टू और आदमी का जो व्यक्तित्व सेम होता है या और अलग होता है आज के दिन जितने इंटरनेशनल ब्रांड है नेशनल ब्रांड है आप मामाअर्थ ले लो आप बॉडी शॉप ले लो वो सब अपने प्रोडक्ट्स में कॉफी यूज करते हैं सॉल्ट यूज़ करते हैं क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको कभी भी लगे कि मेरे लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग हैं या मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा तो आप लोग प्लीज जरूर से माइकल के साथ कनेक्ट कीजिए तो काफी लोग ये बोलते हैं आप एंजल्स की पूजा कर रहे हो तो आप क्रिश्चियन हो गए तो ये धर्म की बातें हैं हम नहीं। धर्म नहीं कर रहे हैं हमारा ये बिलीव सिस्टम है तो जो भी आपके लाइफ में आपको चमत्कार दिखा रहे हैं वो सब एंजल हैं हाँ चक्रपानी जी मेरे पास हर तरीके के लोग आते हैं मनी किसी की उधार बहुत बढ़ गई घर में किसी ने काला जादू कर दिया Uh, किसी ने uh, शरीर में किसी के घर में सबकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फैक्ट्री uh, बंद हो गई ऑफिस नहीं।, नहीं चल रहे नहीं। वास्तु दोष वास्तु दोष ये तो बहुत मेजर है बहुत। अगर आपको पैसों की तकलीफ है तो मैं आपसे पैसे से ही काम कराऊंगी कोई और तरीका करेंगे नहीं। नहीं। लेकिन प्रॉब्लम सबकी है तो सोल्यूशन भी सबका है अगर हम पचास नॉर्मल पीपल हैं उसमें पचास डॉक्टर्स ये क्लासेस कर रहे हैं क्योंकि उनका भी विश्वास है कि हीलिंग में बहुत पावर है तो अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है 100 परसेंट के okay. 2024 सनी का दिन है सनी का है हाँ। तो, तो 2024 में क्या होगा लोगों को क्या करना पड़ेगा अभी एग्जाम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जी। कुछ तो बता के जाना पड़ेगा आपको स्टूडेंट आप, अब टेंथ का एग्जाम आ रहा है बोर्ड आ का आ रहा है तो क्या करें उन लोग आप, आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं मेरे दर्शक मैं गुवाहाटी हर तीन महीने में आती हूँ लेकिन कलकत्ते में आप मेरा एड्रेस फ़ोन नंबर आप शेयर कर दीजिए लोगों दिखे, के साथ मैं ऑनलाइन भी उन्लाण कंसल्टेशन जूम में करती हूँ वास्तु करती हूँ मैं चार्ट्स देखती हूँ मैं क्लासेस लेती हूँ और घर के विजिट्स अभी भी गुवाहाटी में आके हम लोग हो फैक्ट्रीज घर लैंड सब देखते हैं धन्यवाद प्रथम ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে আৰু থামনেল দেখা পাইছে আপোনালোকে হুক লাইন শুনিছে আজি মোৰ লগত কিছু নভবা ঘটনা হৈ আছে পুৱাৰে পৰা আৰু মই লগ পালোঁ আমাৰ বাৰ্তালাপলৈ আজি বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ আহিছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি তেখেত অসমৰ নহয় তেখেত কলকাতাৰ হয় আৰু এই সকলোবিলাক যে হৈ আছে এই সকলোবিলাক হোৱাৰ মূলতেই হৈছে ক'ৰবাত এঞ্জেল আছে ক'ৰবাত হিলিং আছে ক'ৰবাত বাস্তু আছে ক'ৰবাত এষ্ট্ৰলজি আছে আৰু সেইবিলাক মই যিহেতু বিশ্বাস কৰোঁ আৰু মোৰ লগত আজি কিছু আচৰিত আচৰিত ঘটনা হৈ আছে কি হৈছে কেনেকৈ হৈছে মই সকলোবিলাক আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আজি আমি এই সকলোবিলাক কথা হিন্দীত পাতিব লাগিব কাৰণ মেমৰ ঘৰ কলকাতা আৰু তেখেত অসমলৈ আহিছিল আৰু মোৰ সৌভাগ্য তেখেতক মই লগ পালোঁ আৰু তেখেত আন কোনো নহয় তেখেতৰ নাম হৈছে নেহা আদিত্য ফেহপুৰীয়া খুব দীঘলীয়া মানে চ' মই বেলেগ কথা নক ভিতৰলে হুমাই যাও অনুষ্ঠানটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালকে ম্যাম নমস্কাৰ নমস্কাৰ চক্রপানী জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ম্যাম হাম লগ হিন্দী মে বাত কৰেঙ্গে সো মে আপকে বারে মে থোড়া বতা দু ম্যাম এগৰাকী এষ্ট্ৰ'ল'জৰ মে মে ইউ এছৰ পৰা সার্টিফাাইড এঞ্জেল কোচ হয় ম্যাম ট্যারট কার্ড রিডার হয় ম্যাম এগৰাকী বাস্তু কনসালটেন্ট হয় লগতে আৰু বহু কিবা কিবি মই বাকীখিনি মেমৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল লাইফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ লাভ লাইফ হেল্থ প্ৰফেশ্যনেল কেৰিয়াৰ লগতে ফাইনেন্সিয়েল কিছুমান প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ হৈ থাকে এই সকলোবিলাকৰ সমস্যাৰ সমাধান আছে মেম মে এছেই ষ্টাৰ্ট কৰি ৰা তো ই য'ত প্ৰব্লেমছ হে আমলোকৰ লাইফমে ইচ্কা ছলিউচন হে মেম सो नमस् नमस्कार गोवाहाटी नमस्कार आसम आसम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सो मेरा बिलीफ है एक कि हर सोल्यूशन का एक चाबी है तो इफ़ देर इज़ अ लॉक अगर लॉक है तो चाबी है अगर प्रॉब्लम है सोल्यूशन है नाउ हम लोग एज हिंदूज एज ह्यूमन बींग्स हमारा बहुत फेथ है गॉड्स में भगवान में Uh, हम पूजा करते हैं हम रिचुअल्स करते हैं लेकिन वो रिचुअल्स की एनर्जी जो लगती है वो हम मानी ऐसे लोगों को हमारे लाइफ में लाते हैं जो चैनल्स बन के आते हैं और हमारे रास्ते खोलते हैं चाहे okay. वो डॉक्टर्स हैं uh. चाहे वो हीलर्स हैं चाहे कोई आपका घर का आदमी होगा आपको हेल्प करके जाएगा uh -huh -huh. हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है हम गलती ये करते हैं कि हमें ये लगता है कि मेरा लाइफ ख़राब है मैं खुश नहीं हूँ मेरे हेल्थ इशू है और फिर हम धीरे धीरे विश्वास करना बंद कर देते हैं तो सारी सोल्यूशन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है ताला है तो चाबी भी है ताला है तो चाबी भी है मैं बहुत क्वेश्चंस आपके लिए लिख के रखा हूँ मैम हम लोग कैसे मिले उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ और मेरे दर्शक को भी बताना चाहता हूँ कि कल से मेरे फोन में कुछ हो रहा है तो मेरे फोन में 12, 12 मुझे दिखा रहे बारह बज के बारह मिनट हो रहे एक बार मैंने दिखा एक बज के ग्यारह मिनट देखा तो मेरे साथ क्या हो रहा था आपके साथ मैजिक हो रहा था क्यों मैं तो मैं एंजल कोच हूँ मैंने एंजल्स के बारे में पढ़ाई की है जब मैंने एंजल्स के बारे में इंडिया में पढ़ाई की थी तो मेरे को ऐसा लगा कि इतना मैजिक कैसे हो सकता है तो आपकी तरह मैं भी ऐसे नंबर्स देख रही थी और मेरा इतना विश्वास बन गया क्योंकि जहाँ मैं परेशान एक नंबर मेरे को आंसर दे रहा है तो मैंने ये ट्रेनिंग को आगे यूएस जाके डोरिन वर्च्यू सर्टिफाइड एक टीचर है उनसे मैंने ट्रेनिंग लेके मैं टीचर बनी हूँ okay. और जब मैंने यूएस में माउई हवाई में ये ट्रेनिंग ली मैं आई हूँ मेरी लाइफ चेंज हो गई है अब एंजल्स हमसे बात करते हैं एंजल्स हमसे कैसे बात करेंगे वो आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि अगर आएंगे आप बेहोश हो जाएंगे वो इतने बड़े होते हैं इतने विशाल इतने सुंदर होते हैं कि आप उनकी एनर्जी नहीं ले पाओगे तो वो हमसे कभी नंबर्स में बात करते हैं कभी फेदर में बात करते हैं कभी बर्ड्स कभी बटरफ्लाई ऐसे बन के वो हमसे बात, करते, बात करते, है। करते हैं आप कोई चिंता में हो या हो सकता है आपके लाइफ में कोई चेंज आने वाला है आप कुछ काम कर रहे हैं सडनली आप अपने फोन में देख रहे हो वन 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 ये एक एंजल का मैसेज है कि तुम बहुत आगे जाओगे बट पॉजिटिव रहो ठीक है अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं गाड़ी में निकले हो कोई काम से सडनली आप गाड़ी के सामने अपने एक गाड़ी का नंबर देखोगे सेवन 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 इसका मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा विच विल बी मेराक्यूलस अगर आप आ, आ, कहीं पे थ्री 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 देख रहे हो जैसे आपने क्या देखा वन टू वन टू दिस इज ऑल्सो रिपीटिशन नंबर एंड एंजल क्यों नंबर में बात करते हैं उनका मतलब है कि हम ह्यूमन हमारा वैल्यू है uh -huh. आप पैदा नंबर पे होते हो uh -huh. आप मरते नंबर पे हो जी. अगर मेरे को आपसे कुछ काम है मैं आपको नंबर में पैसे दूंगी आप मेरे को पैसे दोगे तो नंबर में दोगे हम ग्रो करते हैं नंबर पे हम मानी एवरी थिंग आज एक नंबर में uh -huh. है सो so, उनको लगता है कि ये ह्यूमन बींग्स को नंबर बहुत अच्छे से समझ uh -huh. में आता हम लोग है फोन का वो पिन कोड नंबर नंबर एटीएम का पिन कोड है ना फोन नंबर एग्जैक्टली तो एंजल exactly. okay. तो को जब ये समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स को नंबर इतने yes. अच्छे से समझ में आता है लेट अस गिव मैसेजेस ओनली इन नंबर तो वो अब नंबर्स में बहुत वन 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 टू 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 थ्री 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 अब इसमें अगर आपको दो बार दिखता है रिपीटेशन उसका मतलब भी वही है कि एंजल मैसेज दे रहे हैं अगर पांच बार दिखता है उसका मतलब है एंजल जोर से मैसेज दे रहे हैं তো যত রেপুটেশন বা সো আজি কথা গম পাইছে কেনকা লাগে যাব মই মানে যখন আমার এঞ্জেল হিলার হকল আছে জ্যোতিষী হকল আছে হকল আছে তো আমি বহুত কথা পাতি কিন্তু আজি মোৰ ভাল লাগিছে এগাকী প্ৰশিক্ষণ প্রশিক্ষণ তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ব্যক্তিক এই পৰা তেখেতে মুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সো মেয়া অৰ এক কুয়েশনসে মেম Uh, हम लोगों का जो और होता है आपका और मेरा और ये तो और क्या होता है और आदमी का जो व्यक्तित्व सेम होता है या और अलग होता है व्यक्तित्व अलग होता है और व्यक्तित्व अलग होता है, होता है okay. तो आपकी फिजिकल बॉडी है जो हुँ, दिखती है और दिखती नहीं है हुँ, ओके हुँ, और अगर मैं आपको आज बहुत आम आदमी के तरीके से समझाऊं बिकॉज सुनने वाले सब नहीं समझेंगे इतने मेटाफिजिकल वर्ड गौतम बुद्धा साई बाबा इनकी और हैं तभी लोग दूर दूर से इनके पास आ जाते हैं okay. एक और है जो खींचता है ऐसे ही हर इंसान की एक और है अब और का का काम क्या है आपको मैग्नेट बनाना मैग्नेट बनाने का मतलब है वो आपकी तरफ आकर्षित आकरश्य। करेगा तो आकर्षण दुख को भी कर सकता है सुख को भी कर सकता है आकर्षण पैसों को भी कर सकता है अच्छे रिलेशन को भी कर सकता है डिजीजेस को भी कर सकता है गुड हेल्थ को भी कर सकता है तो ये और को क्लियरिंग करना जितना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि आज के दिन हम सोसाइटी में बहुत नज़रों में हैं लोगों की नज़र लग रहे हैं आप अगर खुश हो आप अगर सक्सेसफुल हो लोगों को पसंद नहीं, नहीं। है हम बहुत स्ट्रेस में हैं आप हॉस्पिटल विजिट्स इतना करते हैं जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं लोगों को बीमार देख रहे हैं तो आपका और में ब्रेकेज होता है डेंट होता है बिकॉज पेन से ही और डेंट होता है तो अगर आपकी फिजिकल बॉडी दिख रही है तो और यहाँ है okay. और कोई भी चीज़ को और में घुसने के लिए छः महीने लगते हैं तो अगर औरा के अंदर वो घुसता है तो आपको अंदर से लथार्जी हुँ। थकान हुँ। आपको चिड़चिड़ापन Uh, आपको अंदर से लगेगा मैं वो नहीं हूँ जो तो मैं थी मेरा काम करने का मन नहीं ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है एब्सिल्यूटली पॉजिटिव और नेगेटिव और बट व्हाट गोज इनसाइड अगर आपने क्लियर कर दिया आज हीलर्स क्या करते, है? वाश करते, वाश करते हैं और को वॉश करते वॉश हैं। करते अगर आप हीलिंग भी नहीं करते हो तो भी आज हम इतना सुनते हैं नमक से नहाओ है ना mm -hmm. नमक से नहाओ धूप में बैठो mm -hmm. सन आपके और को क्लियर करता है नमक से नहाते हो तो नमक नेगेटिविटी को क्लेंस करता है okay. अब्जॉर्ब करता uh -huh. है तो आप जब वॉश लेते हो आज के दिन जितनी इंटरनेशनल ब्रांड है नेशनल ब्रांड है आप मामा अर्थ ले लो mm -hmm. आप बॉडी शॉप ले लो mm -hmm. वो सब अपने प्रोडक्ट्स में कॉफी यूज करते हैं सॉल्ट यूज करते हैं क्यों यूज कर रहे हैं इट इज नॉट फॉर योर वॉश देर इज नो शाइन उससे शाइन नहीं है उससे आपकी और क्लियर हो रही है तो दे ऑल्सो नो द सीक्रेट अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कभी समुद्र के पास जाओ समुद्र में नहा के आओ समुद्र का जो नामक है वो भी आपकी और को क्लियर करता है okay. तो ओरा क्लियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो निगेटिव एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी है इनको हम लोगों के अंदर घुसने के लिए सिक्स मंथ लगते हैं मिनिमम सिक्स मिनिमम सिक्स मंथ लगता है तो हम अगर इतना थोड़ा समझने लग जाएं जा। आज आप एक छोटी सी बात समझिए हम कोई पार्टी में जाते हैं हमने वहाँ कुछ नहीं किया हमने पार्टी में खाना खाया हमने मज़ा किया अच्छे कपड़े पहन के गए घर आके इतने बार लगता है नहीं आज बहुत माथा दुख रहा है आज अच्छा नहीं लग रहा तो हम कपड़े खोलते हैं और सो जाते हैं जिसमें हमने इन्जॉय किया हमारे और में डेंट लगा किसी ने देखा अरे इतनी इतनी अच्छी लग रही है किसी ने देखा यार ये तो बड़ी खुश है ये तो बहुत घूमती है हम सोशल मीडिया में हर जगह हैं हम अगर अपने लाइफ के बारे में डालते हैं सोशल मीडिया में हमारी और एवरी डे ब्रेक होती है Hmm. क्योंकि आप कितने लोगों के आंख में हो इसीलिए और को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है और अगर मैं बताऊं कि और को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो मैंने आपको क्लेंजिंग बताया आप नहा सकते हो हाँ। आप सन बात ले सकते hmm. हो आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो hmm. क्रिस्टल पहनने से भी ये आपकी और को प्रोटेक्शन देती है okay.

तो अब आप देखिए काली चीजें क्या करती है जैसे आपने काला कपड़ा पहना हम अपने पार्टीज में जाते हैं हम क्या करते हैं सेफेस्ट कपड़ा है काला कपड़ा पहन लो काला कपड़ा का काम है अटेंशन को खींचना सुंदर लगते हो आप है ना सेफेस्ट तो पहले जमाने में ये काला टीका इसलिए लगता था कि बच्चे का चेहरा नहीं देख के जिसको नजर लगाना है काले टीके को देखो okay. तो अटेंशन वहां जाएगा काला टीका उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा फिर उसको आप पोच दो तो, तो और आप नहीं गई हाँ। तो ये प्रोटेक्शन था hmm. सेम वे आप काला धागा बांधते hmm. हो तो एनर्जी काला चीज खींचता है तो आपकी बॉडी को कोई नहीं देखेगा सीधा काला धागा खींच लेगा और अगर आप नमक मिर्ची की बात करो तो मैंने आपको अभी बोला और क्लियर होता है तो आप नमक में प्राणा होता है प्राणा तो जो भी चीज़ में प्राणा है वो आपको जिंदा रखता है तो आप उस प्राणा से जब एनर्जी क्लियर करके उसको जला देते हो वो और आपकी क्लियर हो जाती okay, है ओके मैम ओके सो मैं मेरा और एक क्वेश्चन से जो हमने एंजल के बारे में बात किया आपने बुद्धों के बारे में बोला साई बाबा के बारे में बोला तो साई बाबा बुद्ध और हनुमान जी नारद जी ये लोग कौन है ये लोग कौन है और आपने एक बात बताया कि एंजल एंजल थोड़ा अलग होता है एंजल और जो हमारे दूसरे घर से जो आता है जिसको एलियन हाँ, एलियन हाँ तो ये लोग एलियन है ये लोग कौन हैं इसके पीछे बहुत पढ़ाई है और बहुत ही आ, प्रोवन फैक्ट है ये यहाँ पे कोई मिथ नहीं है कोई तरीके की अंधविश्वास नहीं है एंजल्स भगवान के राइट हैंड दूत होते हैं हम अगर अपने शास्त्रों को उठाते हैं तो भगवान दूत को हमारे पास भेजते हैं आज हम एंजल्स अपने बच्चों को भी बोल देते हैं अरे ये मेरी एंजल है अगर आज आपने मेरी मदद की तो मैं आपको भी एंजल बोल सकती हूँ तो ये हो गए ह्यूमन बींग्स जो एंजल बन के आए ठीक है थीके? लेकिन जो एंजल की अभी हम बात कर रहे हैं वो और भगवान में फ़र्क है साई बाबा हमारे एंजल हैं क्योंकि उन्होंने जन्म लिया था लोगों को पता है कि साई बाबा एग्जिस्ट करते थे पर राम जी एंजल है क्योंकि लोगों को पता है थे हनुमान जी एंजल है तो कलयुग में ये अवतार बन गए हैं हाँ लेकिन मैं जिन एंजल के बारे में बात कर रही हूँ इनको आर्के एंजल्स बोलते हैं और ये मैं आपको अगर बताऊँ तो आर्के एंजल माइकल आर्के एंजल राफियल ये पढ़ाई में हम सिखाते हैं और ये आर्के एंजल्स कभी भी जन्म नहीं लिए ये लाइट है और लाइट का काम है आपको रोशनी देना और हील करना तो ये भगवान के द्वारा भेज भेजा हुआ लाइट है और ये आता है आपकी परेशानी को हील करता है और ये चले जाते हैं वापस तो आर्केजल माइकल जैसे अगर आपको कभी भी लगे कि मेरे लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग हैं या मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से माइकल के साथ कनेक्ट कीजिए और बोलिए माइकल मेरे को रास्ता दिखाओ ये कोई धर्म नहीं है ये एक बिलीफ है और ये सिर्फ लाइट है और इन्होंने कभी जन्म नहीं लिया तो अगर हम बोलते हैं कि एंजल कैसे होते हैं किसी ने नहीं देखा पर उनको आप फील कर सकते हो उनकी एक एनर्जी है तो आपको बहुत एविडेंस मिलेगी मिल माइकल के मूर भार लगी पॉजिटिव तो कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं कुछ ये, क्या बताऊँ आप आपको कैसा लगा मेरा ये बहुत सुंदर बहुत एनर्जेटिक एंड मैं भी खुद समझ पा रही हूँ कितनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे थैंक यू और मैं आप लोग को एक और दर्शकों को एक बात बताऊँगी सब चीज़ों को विश्वास करने में टाइम लगता है विश्वास तो पत्थर में ही भगवान को बनाता है माइकल के बारे में जो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ अगर कोई बॉम्बे जाए बॉम्बे में माइकल चर्च है जाके अपने विश्वास से खाली अपनी एक अर्जी लगा के आ जाओ कि माइकल मेरे को ये काम करा दो लोगों ने अपने शरीर को स्वस्थ किया है घर बनाए हैं रिलेशनशिप ठीक किया है बच्चों ने पढ़ाइयाँ की हैं मैं खाली बोलती हूँ माइकल के सामने एक कैंडल लगा के आ जाओ तो ये विश्वास है और यहाँ पे मैं धर्म बदलने नहीं बोल रही तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं आप एंजल्स की पूजा कर रहे हो तो आप क्रिश्चियन हो गए oh. तो ये धर्म की बातें हैं हम धर्म नहीं कर रहे हैं हमारा ये बिलीफ सिस्टम है तो जब आप फूल फूल को अगर आप देख के खुश होते हो तो यहाँ धर्म नहीं बदलता सेम वे ये लाइट है तो लाइट से कैसे धर्म बदलेगा तो माइकल का नाम किसने रखा ये, Actually, ये लाइट है। ये जो लाइट है तो ये जो एंजल रीडर्स होते हैं जैसे आज आप अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे कि साई बाबा का नाम किसने लिखा हमें नहीं पता ये एक एनर्जी है जैसे हमने सुना हम आगे ले जा रहे हैं जो टीचर ने जो व्यक्ति ने ये एंजल्स को महसूस किया उन्होंने वो एंजल से बातें करना स्टार्ट की और जो कलर उन्होंने बताया जो नाम उन्होंने बताया वो पढ़ाई में आ गई ये अभी की पढ़ाई नहीं है नहीं। ये आज हज़ारों साल से चल रही है तो अगर आप हिस्ट्री में भी उठाते हो तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं। 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 भी आर्केंजल गेब्रियल से बातें करके अपनी किंगडम को चलाया और मदर मैरी के पेट में लॉर्ड जीसस थे ये आर्किेंजल गेब्रियल ने ही अनाउंस किया था मदर मैरी वॉज नेवर मैरिड तो ये आर्केंजल गेब्रियल तो अगर आप पढ़ोगे तो ये बहुत रियल स्टोरीज uh, है दिस इज़ नॉट एनीथिंग दैट इज जस्ट टोल्ड कि भाई वर्कशॉप कराना है तो बता दो आप जब करोगे तो आपको इनका मैजिक फील होगा हो मैम हमारे यहाँ पे असम में जो महापुरुष शंकर देव कोलकाता में भी शायद ऐसे महापुरुष जो हाँ, है हाँ। वो लोग भी एंजली वो भी ही है।, तो है तो जो भी आपके लाइफ में आपको चमत्कार दिखा रहे हैं वो सब एंजल हैं सो so, आपके पास कौन 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 सा लोग आते हैं स्पेशली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो लव लाइफ का प्रॉब्लम हो हेल्थ का प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है बिजनेस में ये कुछ हो रहा है तो कौन सा लोग आते हैं चक्रपाणि जी मेरे पास हर तरीके के लोग आते हैं मनी किसी की उधार बहुत बढ़ गई हुँ. घर में किसी ने काला जादू कर दिया हुँ. Uh, किसी ने uh, शरीर में किसी के घर में सबकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फैक्ट्री uh, बंद हो गई ऑफिसज नहीं।, नहीं चल रहे नहीं। 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 वास्तु दोष वास्तु दोष ये तो बहुत मेजर है पहले मैं कलकत्ते में काम करती थी फिर कलकत्ते के एक्सटेंडेड फैमिली इतने कलकत्ते से लोग गुवाहाटी में आए हैं तो उन्होंने मेरे को गुवाहाटी में बुलाया मैं आ, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री बॉम्बे जाती हूँ दिल्ली जाती हूँ इंदौर जाती हूँ दुबई भी अभी मैं वर्क करके आई हूँ तो हम लोग क्लासेस भी देते हैं हम वर्क भी करते हैं और हर प्रॉब्लम मानी कोई भी प्रॉब्लम करते हो मैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं हम लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं वास्तु करते हैं एंजल सिखाते हैं क्रिस्टल्स देते हैं कोई ना कोई तरीका निकालते हैं कि आपके बजट में जो है okay. ऐसा नहीं कि अगर आपको पैसों की तकलीफ है तो मैं आपसे पैसे से ही काम कराऊंगी कोई और तरीका करेंगे नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन प्रॉब्लम सबकी है तो सोल्यूशन भी सबका है सबका है मैम ये सब दोस्त ठीक हो जाता है ठीक होता है नहीं अगेन अगर मैं ये बात बोलूंगी तो मैं आपसे झूठ बोलूंगी। क्योंकि सबकी अपनी डेस्टिनी भी है आ, मैं जो काम करा रही हूँ या हम सब जो काम कर रहे हैं वो एनर्जी है जैसे आ, एक छोटी सी बात बताती हूँ कामख्या माई का दर्शन किया करके आपने कामख्या माई को बोला कि मेरा काम नहीं चल रहा आप नीचे आते हो ऐसा नहीं होता काम चलने लगता है ना कितने बार चमत्कार हो जाता है कितने बार आपको पाँच साल लग जाते हैं दस साल लग जाते हैं पर आपका एक विश्वास है मैंने अपनी माँ को बोला सेम तरीके से जब आप एनर्जी करते हो जैसे मैंने आपको बोला कि आप ये पूजा कर लो ये आप दक्षिणा चढ़ा दो आपने एनर्जी लगा दी उसके बाद रिजल्ट का वेट करो और हंड्रेड में से सेवेंटी परसेंट का रिजल्ट आता है क्यों आता है क्योंकि क्योंकि आपके डेस्टिनी में लिखा है तो आप ऐसे लोगों से मिलते हो hmm. वो जो तीस परसेंट का नहीं आता है उनके अपने कर्म भी काम करते हैं हो hmm. सकता है आपका कार्मिक कोई ऐसा बैगेज है कि आपको निकलने नहीं दे रहा है hmm. लेकिन जब आपने इस जन्म में हीलिंग को पकड़ लिया है तो वो आपके कर्मा के साथ आगे जन्म में भी जाता है okay. और ये जो Uh, क्या बोलते हैं उसका uh, पूर्वजन्म hmm. क्या बोलते हैं हिंदी में आप uh, जो पास्ट लाइफ की बात कर रहे हो ये होता, है strongly होता है बहुत स्ट्रांगली होता है बहुत स्ट्रांगली होता है तो आप क्या था पहले? आ, मैं क्या था था पहले मैं हम सब इंसानी थे।, थे।, थे हाँ तो okay. ये बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं जो हमें बचपन में बोला जाता था कि तुम अगले जन्म में गधे बन जाओगे <laughs> ये मजाक था अगर आपने एक बार मनुष्य का जन्म ले लिया जब तक आप बहुत खराब कर्म नहीं करोगे आप कोई दूसरे जन्म में नहीं जा सकते अब आप इवॉल्व करोगे अब आप मनुष्य से आप और बड़े अच्छे मनुष्य बनोगे आपके कर्मों के हिसाब से और धीरे 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 आप गुरु बनोगे गुरु बन के आप भगवान में लीन हो जाओगे दिस इज द साइकिल वी हैव टू कम्प्लीट ओके वी आर इवॉल्विंग सो आज इतना प्लानिट में आ, हीलिंग आ रहा है mm -hmm. इतना आ, इवन डॉक्टर्स डॉक्टर्स hmm. इतना हीलिंग पे विश्वास करते हैं तो hmm. आज जब मैं इंटरनेशनली क्लासेस करके आती हूँ अगर हम 50 नॉर्मल पीपल हैं उसमें hmm. 50 डॉक्टर्स ये क्लासेस कर रहे हैं hmm. क्योंकि उनका भी विश्वास है कि हीलिंग में बहुत पावर, पावर है सर्जरी है. hmm. uh, करते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं जो आपके लेज़र वॉन्ड्स होते हैं उसमें क्रिस्टल लगे होते हैं तो क्रिस्टल में पावर है ये तो साइंस भी प्रूफ कर रहा है ठीक है तो uh, आपका जब ये मेरे को पूछना है कि uh, कहाँ पे हम ये चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं आप अपने डेली लाइफ में हर जगह आप अपने ऑफिसज में लगा सकते हो आप अपने बॉडी में पहन सकते हो आप बच्चों को दे सकते हो बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है ठीक है और अगर हम पूर्व जन्म की अब बात करें आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसको काला दाग है कभी देखा है ऐसा कोई बच्चा बाद में होता है या कोई को पैदा होते हुए आपने देखा है तो आप अगर देखोगे मेरे खुद की बेटी के Uh, इधर इतना बड़ा काला दाग ठीक है और मैं ऐसे सोचती थी क्या चीज़ का दाग है ये तो पेट से प्रोटेक्टेड निकली है जब मैंने पूर्व जन्म आई एम अ पास लाइफ टीचर जब मैंने पढ़ा तो कब पूर्व जन्म में कभी उसको यहाँ चोट लगी थी वो चोट का दाग वो लेके इस जन्म में आई है अपने ये देखते हैं कि बच्चों को पैदा होते ही हार्ट का डिज़ीज़ आ गया कहाँ से आएगा हार्ट का डिज़ीज़ हमने तो अभी स्ट्रेस लिया तो ब्लड प्रेशर बढ़ा बच्चे को कैसे डायबिटीज़ आया पूर्व जन्म से आ गया जेनेटिक्स प्ले अ रोल बट हेरिडिटी जब नहीं वर्क कर रहा है जब रिजल्ट कहीं साइंस में नहीं आ रहा वो पूर्व जन्म से कैरी करते हैं ये हम लोग जान सकते हैं एकदम जा सकते हैं तो जब हम पास लाइफ के सेशंस करते हैं हाँ। हम हिप्नोथेरेपिस्ट हैं हाँ। तो आप अपनी पास लाइफ खुद जानते हो और आप इस जन्म में वापस आ जाते हो क्यों जानना जरूरी है कि पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें इस जन्म में हम सॉल्व नहीं कर पाते है ना कि ये बीमारी आ गई जब आप पास्ट लाइफ में देख के आते हो तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है इसीलिए पास्ट लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोडलिटी हीलिंग की बन गई है मैं एक क्वेश्चन सबको पूछता हूँ यहाँ पे जो आते हैं अगर हम लोग टाइम मशीन से पास्ट में जाना चाहते हैं अगर हो गया ये तो आप किसको मिलना चाहेंगे मैं अगर टाइम मशीन से पास्ट में जाना चाहूँगी तो मैं खुद को ही मिलना चाहूंगी मैं खुद को मिलके अपनी जर्नी समझना चाहूँगी और बातें करना चाहूँगी खुद से क्योंकि इंसान दूसरों को जब ढूंढता है तो बहुत बड़ी भूल करता है आप जब खुद को ढूंढ लेते हो तो आपने लाइफ में बहुत एक अचीवमेंट पा लिया चाहे आप पास्ट में जाके ढूंढ पाओ या फ्यूचर में जाके ढूंढ पाओ एक्टली exactly. मैम uh, वास्तु वास्तु दोस्त के बारे में थोड़ा बताइए हम और एक बात यहाँ पे अभी चल रहा है आसाम में किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट जो कोना होता है वहाँ पे अगर लेट्रीन बाथरूम हो गया तो उस घर में कैंसर जरूर होगा यस एब्सोल्युटली तो वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ हम जो इंडिया में रहते हैं मैं पहले सिर्फ अपनी इंडिया की बात करती हूँ बहुत वास्तु को मानते हैं अगर आप आगे की कोई भी राजा को देख लें ठीक है को आप उनके पैलेस को उठाइए वो पूरे वास्तु प्रोटेक्टेड थे आप एक बार जाके किसी के भी पैलेस में जाइए आप राजस्थान जाइए आप अजमेर जाइए आप जब अपना कंपास खोलेंगे जो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा ठीक है और उनके मंदिर ना घर में नहीं होते थे अलग से होते अलग से होते थे क्योंकि मंदिर घर में होना ही नहीं चाहिए नहीं। हम अपने कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं तो हम ही वास्तु दोष कर रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि वास्तु घर में इतनी बीमारियाँ क्यों आ रही है आज आप ये जो बात बोल रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है आपका माथा अगर वास्तु के हिसाब से सो रहा है बस। पुरुष वास्तु पुरुष माथा, माथा इज नॉर्थ ईस्ट अब आपके माथा में बाथरूम बना दिया ठीक है माथा से बाथरूम का काम क्या है ड्रेनेज ड्रेनेज यहां से ड्रेनेज होगा तो शरीर का जब ड्रेनेज होगा तो आपको एक डिजीज आएगा ही तो अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है हंड्रेड परसेंट कैंसर हंड्रेड परसेंट या तो आपको जेल होगा हंड्रेड परसेंट या तो आप कि बहुत कर्ज बढ़ जाएंगे आप कोई ऐसे तकलीफ में आओगे जहाँ से नो लुकिंग बैक है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होने का मतलब ये है कि आपका खाली डब्ल्यू सी माने लैट्रिन नहीं होना चाहिए बट आप नहा सकते हो वह ओके तो नहाने का मनाही नहीं है पर वॉशरूम का जो हम लोग का डब्ल्यू सी है वो नहीं होना चाहिए वह ओके okay. तो लेटरिन कौन सी दिशा में होना चाहिए है? डिस्पोजल काउंटर तो अब क्या होता है हम लोग घर को डिवाइड करते हैं और एक जैसे इधर वाटर मनी होता है इधर फेम होता है इधर रेकग्निशन होता है सोशल पीपल होते हैं आप सब चीज़ आपके घर में ही है हमें कॉर्नर्स देखने होते हैं तो वास्तु का एक डायरेक्शन बाथरूम का भी है लेकिन आज के दिन हम सब जॉइंट फैमिली में हर रूम में बाथरूम कर रहे हैं जी, जी। तो ये अगर मैं बोलती हूँ कि खाली इसी डायरेक्शन में होना चाहिए वो गलत हो जाएगा तो हम एक रूम को डिवाइड कर देते हैं और उसी में जो बेस्ट एरिया है वहाँ पे बाथरूम बना, बना देते हैं और वास्तु दोष ठीक करने के लिए थोड़ा सा टिप्स बताइए दो तीन टिप्स पैसे के लिए क्या होता है पैसे मनी अट्रैक्शन के लिए क्या होता है लव लाइफ के लिए क्या क्या होता है थोड़ा थोड़ा वास्तु का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए वास्तु का मतलब है ऐसा जगह जहाँ आप वास कर सकते हो वास करते हैं। वास माने रह सकते, सकते हो और आप वास ऐसे ही जगह पे करना चाहोगे जहाँ पे शांति है करेक्ट वास्तु के बहुत टिप्स हैं लेकिन कुछ अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बोलूं अगर आपके घर में बहुत वास्तु दोष है और हुँ. आपको लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं कर हुँ, रहा हुँ, हुँ. तो जिस कॉर्नर में वास्तु दोष है वहाँ पर आप लाल जो सिंदूर लाल रोली होता है ना पूजा करते हैं हम लोग उससे स्वास्तिक बना दीजिए

कुछ तो सोलूशन होगा अब ओनली सोल्यूशन है देखिए क्योंकि हम भी वास्तु वाले ट्राई कर रहे हैं आजकल पहले अगर आप देखोगे तो वास्तु वाले तोड़ देते थे सब चीज हमने भी बहुत चेष्टा की है कि बिना घर को डिस्टर्ब किए कितना वास्तु कर दे तो हम बहुत टेप रेमेडी करते हैं वहाँ पे टेप लगा देते हैं वहाँ पे ड्रिलिंग करके कॉपर डाल देते हैं कहीं सिल्वर डाल देते हैं लेकिन खाली पूरे वास्तु वाले सब ने चेष्टा कर ली नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का कोई रेमेडी नहीं है एंड एक चीज और मैं बताती हूँ नॉर्थ ईस्ट ना आपका वास्तु का आ, ग्रोथ है जैसे आप आप हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट है प्रधानमंत्री जी तो बोलते ही रहते हैं नॉर्थ ईस्ट को पहले ठीक करो पूरे इंडिया ठीक हो जाएगा अब आप समझ हा, रहे हैं क्योंकि वास्तु में हमारे मेन नॉर्थ ईस्ट जुपिटर आप लोग हैं और आप देखिए यहाँ पे कामख्या माई है यहाँ कितनी तरक्की है ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं है जैसे ही नॉर्थ ईस्ट ठीक होने लगेगा ना पूरा देश अपना ठीक हो जाएगा मैम अभी दो तीन क्वेश्चन और हैं जो हम लोग बोलते हैं ना आपके वीडियो में आप ये सब बोल चुका है अच्छा, आपका अच्छा। जो यूट्यूब चैनल है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो मैम वहां पे आप बोल के रखा है कि पितृदोष मातृदोष ये क्या होता है पितृदोष बहुत बड़ा पाठ हो गया है हमारा लेकिन लोग डरते हैं आज आप कोई भी बहुत तकलीफ में है बच्चे नहीं हो रहे शादी नहीं हो रही घर में बहुत कर्जा बढ़ गया है तो सीधा पंडित आपको यही बोलेगा पितृदोष है ठीक है मेरा ये पढ़ना और सोचना है कि आपके जो पितृ कौन होते हैं एंड आपके घर के जो बड़े हैं जिनका डेथ हो गया ठीक है मेरा ये बोलना है कि आपके बड़े आपको क्यों तकलीफ देंगे आज मेरे फादर अगर वो नहीं है दुनिया में वो मेरे को तकलीफ़ नहीं दे सकते मैं उनकी बच्ची हूँ तो ये एक डर भी बन गया है हमारे वास्तु में ये बोला गया है पितृदोष ऐसा नहीं होता पितृदोष नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है पितृदोष सीढ़ी के नीचे अगर आपके टॉयलेट बना हुआ है या आपके घर की सीढ़ी के नीचे आपने कूड़ा रख रखा है झाड़ू रख रक रखा है आपने डिस्पोजल बना रखा है ये एक वास्तु दोष है तो जब वास्तु दोष बहुत हो जाते हैं घर में तो वो पितृदोष बना देता है okay. या फिर आप अगर आपके घर में श्राद्ध करते हैं आप श्राद्ध नहीं कर रहे आप मने बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रहे हो अपने घर के हिसाब से नहीं चल रहे तब ये पितृदोष बनता है पर यह नहीं होता कि आप सब अच्छा करते हो और तब भी पितृदोष होता है ये डराने वाली बातें हैं। ओके okay. हम लोगों का जो होता है नसीब नसीब, नसीब देस्टीनी, देस्टीनी, हाँ, हाँ। तो उसको हम ठीक कर सकते हैं एकदम कर हाँ। सकते हैं आ, आप मेरे को एक बात बताइए अगर आपको आप कामख्या माई का ही हम बात करेंगे क्योंकि हम इधर बैठे हैं हुँ। हम क्यों जाते हैं कामख्या मई क्यों पूजा करते हैं चाहिए तो जाते हैं डेस्टिनी तो के लिए ही जाते हाँ हैं ना अगर आपको लग रहा है मेरे पास सब है और सब मेरे इधर लिखा है तो आप पूजा क्यों करोगे हाँ हर चीज हील्ड होती है और हर चीज का एक उपाय भी है तो हंड्रेड परसेंट हम जो बन रहे हैं लाइफ में हम अपने कर्मों के कारण बन रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ था है। सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ हम क्लियर भी कर सकते हैं आज अगर आप मेरी पत्थरी कोई को भी दिखाते हो आई वॉज नॉट सपोज टू बी अ टीचर एंड अगर मैं ये बनी हूँ तो मैंने अपनी मेहनत से और अपनी डेस्टिनी को हील करके बना है तो आप अगर अपनी लाइफ जर्नी को चेंज कर सकते हो तो आप सब सब चीजें चेंज कर सकते हो ठीक है हाँ कुछ चीजें कि आपके को मरना कब है आपको पैदा कब होना है ये सारी चीजें लेकिन आज आप पावर ऑफ महामृत्युंजय जब देखिए किसी कोई डेथ बेड में है वो खड़ा हो जाता है तो हील्ड हुआ ना तो डेस्टिनी को भी आप हील कर सकते हो ऐसा कुछ चमत्कार होता है जो बहुत गरीब है बहुत गरीब है तो ये हीलिंग, ये डेस्टिनी ये हम लोगों का एंजेल आपका वन टू टू वन टू मेरे पास भी आज ओके <laughs> <laughs> okay? तो हम लोग मैच हो रहे हैं दिस इज सम मैजिक आई थिंक वी आर क्रिएटिंग सम मैजिक फॉर नॉर्थ ईस्ट बहुत गरीब है बहुत बहुत गरीब है तो वो कभी अमीर बन सकता है आप अपने पास अंबानी जी का एग्जाम्पल है है ना हाँ, हाँ। आ, लेकिन अंबानी जी ने कर्म किया उसके बारे में आ, कर्मा नहीं आप एक बात समझिए अगर आप गरीब पैदा हुए हो हुँ, हुँ, वो आपका दोष नहीं है पर आप गरीब मर रहे हो वो आपका दोष है एग्जैक्टली exactly, करेक्ट हाँ, हाँ।, हाँ इसीलिए मैं बोलती हूँ भीख मत दो अगर आप भीख दे रहे हो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो आप बेगर्स क्रिएट कर रहे हो ना Hmm. आप उनको काम करने के लिए प्रोत्साहन दो मोटिवेट करो hmm. पर अगर जब आप भिकारी को मदद कर रहे हो आप बोल रहे हो अच्छी बातें भीख मांगो It's आप उसको पैरालाइज okay. कर रहे हो करेक्ट uh -huh. तो अगर आप ये बात कर रहे हो कि गरीबी में अगर आप पैदा हुए हो और आप अमीर नहीं बन सकते तो हम ही तो गरीब को गरीब बना रहे कि तुम भीख मांगो है ना तो आज के दिन मेरा ये मैसेज रहेगा लोगों को कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां हम बेगर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हैं सोच के कि हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं है ना आप गरीबों की मदद करो उनको पढ़ाई कराओ बच्चों को पढ़ाई कराओ है ना उनका दुकान खोल के दो कि भाई तुम सामान बेचो लेकिन आप बेगिंग में कभी भी प्रोत्साहन मत दो क्योंकि हर इंसान को हक है काम करके अच्छे कम्फर्टेबल लाइफ अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप मर्सिडीज चला रहे हो अमीर बनने का मतलब आप खुश हो खुश हो आप एक अच्छे हेल्थ बॉडी में हो आप अच्छे से खा रहे हो और किसी के सामने मांगना नहीं पड़े जी मैम करेक्ट जी 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 बन सकते हैं सब कुछ हो सकता है। सब कुछ कुछ हो हो सकता सकता है है <laughs> एक छोटी सी बात बताती शाहरुख खान शाहरुख खान कहा से कहा से मन्नत के सामने खड़ा होके उसने हाथ खोल के बोला यहाँ पे मेरा मेंशन बनेगा और उसने आज बना दिया तभी वो अपने आप को बादशाह बोलता है और जो उसने सोचा उसने करके दिखाया करेक्ट तो इस तरीके की लाइफ और इस तरीके के मोटिवेटर्स हमारे सामने इसीलिए कि हम भी बिलीफ सिस्टम से खुद को जहाँ पहुँचाना है पहुँचा सके। पहुँचा सकते हैं मैम और इसको क्या बोलते हैं मुझे भी मालूम नहीं जो हम सोचते हैं एनी टाइम एनी टाइम मनी पैसा घर गार, गाड़ी अगर हम लोग मोबाइल पे वो उसका फोटो भी रखते हैं विजन बोर्ड विजन बोर्ड हाँ तो उसके बारे में बताए विजन बोर्ड क्या है बहुत ही पावरफुल मोडलिटी है ठीक है विजन बोर्ड का मतलब है कि जो आपको चाहिए लाइफ में आपके सामने है ओके okay? uh, सारे हीलर्स का यही बिलीफ है और सीक्रेट है ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कि uh, आप जो सोच रहे हो वो आप लाइफ क्रिएट कर रहे हो तो आज अगर आप तकलीफ में हो और पूरे टाइम सोच रहे हो कि uh, क्या होगा कल क्या होगा कल तो आप क्रिएट कर रहे हो एक डर का ठीक है और अगर आप पूरे टाइम नहीं आई एम रिच सब कुछ सब okay है सब मेरे को मर्सिडीज चाहिए मिल जाएगा मेरे को अमेरिका जाना है हो जाएगा तो ना ये अमेरिका जाना है हो जाएगा ये आप सिर्फ सोच के नहीं कर सकते बिकॉज सोच में बहुत फियर है तो हम एक विजन बोर्ड कराते हैं या हम बोलते हैं कि डिजिटल विजन बोर्ड अपने फ़ोन में रखो और इसके भी वर्कशॉप्स होते हैं एकदम प्रॉपर वे में लेकिन आज के लिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि अगर कुछ चाहिए लाइफ में अपने सामने वो फोटो लगा के रखो और उसको रोज़ देख के बोलो यार ये तो मेरा लाइफ है और वो होगा ही होगा हंड्रेड परसेंट uh, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स को ये भी बोलती हूँ जब वो बोलते हैं कि दीदी लाइफ में ये नहीं हो रहा तो मैं बोली उसका फ़ील लो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ी गाड़ी खरीदनी है और आप खरीद नहीं सकते टेस्ट ड्राइव में जाओ बैठो फील करो okay. और फील करो ये मेरी है एंड कम बैक एंड अगर आप वो फ़ील कर पा रहे हो माने अगर लैक की फीलिंग नहीं है कि मेरे से नहीं होगा ये अगर डर नहीं है तो आप वो करके दिखाओगे दैट इज द पावर ऑफ विजन बोर्ड विजन बोर्ड हाँ और आ, सब कुछ मेरे साथ है मेरे पास है मेरा गाड़ी है बंगला है घर है सब कुछ है हो गया हो गया हो गया मेरा। मानी यूनिवर्स को ये समझ में नहीं आता कि कल क्या होगा हाँ। और कल क्या था यूनिवर्स हाँ, हाँ, हाँ। को आज समझ में आता हाँ, है में। तो जब आप ये बोल रहे हो कि मेरा लाइफ ऐसा है और मैं बहुत ही रिच हूँ और मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकती हूँ तो आप एक्चुअली देखोगे कि आप ये कर सकते हो आप अपने सामने ग्लोब रखो ठीक है और वो ग्लोब को रोज घुमा के एक कंट्री को छू के बोलो यार ये कंट्री है मेरी मैं आ रहा हूँ <laughs> मैं आ रहा हूँ <laughs> <laughs> और आप देखोगे कि आप एक्चुअली ऐसे लोगों को इनफैक्ट मैं आपको चक्रपानी जी आज ये बोलूँगी कि मेरा लाइफ मैंने क्रिएट किया विजन बोर्ड से okay. Uh, मैंने खुद ने बहुत लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ देखी अर्ली इन लाइफ आई विल नॉट से डिफ़िकल्टी बट एज सबके हर्डल्स होते हैं परेशानियाँ होती है बहुत डिजीज देखे और हर कुछ विजन बोर्ड के द्वारा मैं प्राप्त करती गई mm -hmm. uh, मेरे को जहाँ रीच करना था मेरे बच्चों को जैसा बनाना है इनफैक्ट मेरी डॉटर का एडमिशन भी उसने विजन बोर्ड से मैनिफेस्ट किया बिना कोई डोनेशन के सो गेटिंग थ्रू नारसी मुंजी इन मुंबई वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग एंड क्योंकि कोविड में बच्चों को स्कोर्स भी तरीके से हुँ, हुँ. और मैंने उसको ये कहा बेटा जब तेरी मम्मी ने यही किया तो तू भी वही कर तो उसने विजन बोर्ड बनाया विजन बोर्ड को मैनिफेस्ट किया सिर्फ कॉलेज का फोटो लगाया और वही कॉलेज में एडमिशन पाया इट इज़ वेरी पावरफुल तो चमत्कार है चमत्कार है और मैं आपके थ्रू ये लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर आपको uh, कोई भी लाइफ में गोल है उसको अपने आंखों के सामने रखिए एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि मैं 12 से 13 घंटा इसको देख पा रही हूँ विदाउट फियर एंड यू विल सी इट हैपनिंग हमारे जो मुख्यमंत्री है हिमंत विश्व शर्मा वो बहुत दिन पहले अपने वाइफ को बता रिनी की मैम को बता के रखा था कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा देख लीजिए एंड सी वेरी खुद वो इंटरव्यू में बोला था तो हमारा जो सोल होता है ना उसको सब पता है हम विश्वास नहीं करते है ना तो आपको अगर कोई बिलीव सिस्टम आ रहा है कि मैं ये बन सकती हूँ तो आप बनोगे लेकिन वहाँ पे एक थिन लाइन है बिटवीन एरोगेंस घमंड नहीं। और बिटवीन सच्चाई अगर आपको फील हो रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ आप कर लोगे ओके ओके मैम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को वो भी हमारे ही वर्ल्ड के हो गए फिर अगर इतना बिलीव सिस्टम था और उन्होंने क्रिएट किया है तो आप मैजिक पे विश्वास कर सकते हैं डेफिनेटली मैम सेम लव लाइफ में भी वही होता है मैं एक लड़की को देखा ठीक <laughs> <laughs> बोल रहा हूँ मैं सदिशुदा हाँ, हूँ हाँ। मेरा भी एक बेटा है अच्छा तो आ, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी से प्यार हो गया आपको उसको पा सकते हैं हम एकदम पा सकते हैं लेकिन आप ऐश्वर्या राय से प्यार नहीं कर सकते ठीक है <laughs> तो यहाँ पे रियलिटी चेक होनी चाहिए कि आप जिसको पाना चाह रहे हो जी, जी, आ, वो अचीवेबल है आपके गोल्स अचीवेबल होने चाहिए ठीक है आज आप अगर आप यही बात चलिए हम करते हैं अगर आप एक बेगर है वो अपने सामने अमेरिका का फोटो लगा लेगा नहीं पहुंचेगा ना तो गोल्स भी आपके अचीवेबल होने चाहिए तो इसको हम लोग लैडर ऑफ सक्सेस बोलते हैं कि आप सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ो आप यहां से जंप मारोगे तो गिरोगे भी उतने जल्दी करेक्ट तो ये जंप मारने के लिए हमें उल्टा सीधा काम करना आहा, पड़ेगा धीरे धीरे मेहनत करो जहाँ पहुंचना है विजन बोर्ड में एक लाख रुपया महीने कमा रहे हो डेढ़ लाख रूपया लिखो डेढ़ लाख कमाना स्टार्ट किए दो लाख लिखो एक लाख से दस लाख लिखोगे तो आपको ब्लैक धंधा करना होगा है ना तो सेम वे आप जो बोल रहे हो अगर कोई से प्यार है क्यों नहीं, नहीं हम अचीव कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगेन रियलिटी चेक ही होनी चाहिए वो तो कहीं और प्यार नहीं करती ठीक है एकदम सब चीज अचीवेबल है तो पैसा कैसा कैसे रहता है हम हाँ हम लोग तो इनकम कर लेते हैं लेकिन हम कैसे खर्च करें जमा कैसे करें इसके बारे में हम वो, हम लोगों को फाइनेंशियल जो सपोर्टर होता है ना उन लोगों से बात करना पड़ता है अच्छा ठीक है हम लोग पैसा अर्न करते हैं लेकिन हमारे पार्स में पैसा नहीं रहता है खर्च ज्यादा होता है बार्निंग ज्यादा होता है तो वो कैसे हम पकड़ के रखें पैसा क्या होता है मेनली पैसा हाथ का धूली पैसा हाथ का धुली है ये बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट है पैसा एनर्जी है ठीक है लेट्स रिस्पेक्ट दिस एनर्जी, एनर्जी। हाँ और हम बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं हाँ। पैसों का घमंड हाँ। पैसा हाथ का धुली पैसे को टाइट पकड़ के रखो ठीक है पैसा इज एनर्जी आप जितनी इजी से आप ये एनर्जी को फ्लो होने दोगे इट इज लाइक वाटर फ्लोइंग आप पानी को रोक सकते हो रोकोगे तो गुस्सा भड़ेगा ठीक है उसी तरीके से फ्लो होने दो पैसों को आराम से खर्चे करो आपको आपकी विजडम से यूज करो पैसों को अट्रैक्ट करो तो जब मैं पैसे प्यार करो प्यार करो एकदम गर्लफ्रेंड जैसा हाँ, हाँ। <laughs> हाँ। तो जब मैं किसी को पैसे देती हूँ अगर बड़े अमाउंट भी है हाँ। मैं ये अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ अपने क्लाइंट्स को मनी को ब्लेस करके दो वापस आना आई लव यू एंड आप इनके घर में भी मैजिक करो आप इनके घर में भी बहुत पावर दो ऐसे बोल के जब आप रुपया देते हो तो वो मनी मल्टीप्लाई होकर रिटर्न आता है पैसों को अपने तरफ गिनो बड़े लोग पैसे आपके पास आते हैं जब आप उल्टा गिनते हो तो पैसे रॉन्ग है इट इज एनर्जी कॉल इट टूवर्ड्स यू ठीक है तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स बहुत काम करेगी मैम और एक पूछते हैं हमारे घर में तो वाटर ड्रॉप होते कभी रहतेज लीकेज 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 वो तो वास्तु के द्वारा बहुत खराब है यस 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 है, येस, है।, येस, पैसा है। तो जब भी वाटर आपका लीकेज हो रहा है अगेन आपका वास्तु घर है ठीक है और घर में आपको हर सिम्टम मिलेगा जैसे मैंने अभी आ, आपने मेरे से और की बात की और में माथा दर्द हो रहा है आपके पेट में तकलीफ है धीरे 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 बीमारी बनता है सेम तरीका से घर का वास्तु आपको सिम्टम देता है पानी टप, टप 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 गिर रहा है लाइट्स ज्यादा खराब हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा खराब हो रहे हैं ठीक है घर में सडनली लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं ये सारे ना सिम्टम्स है इनको आप समझ के अगर ठीक कर लोगे तो बड़ा कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं होगा Okay. तो अगर पानी किसी के भी घर में पानी टप टप गिर रहा है या आपके दरवाजों में आवाजें हो रही हैं इमीडिएट गेट इट रिपेयर्ड तो समवेयर आपने एनर्जी वर्क कर दी तो अगर आपको हंड्रेड परसेंट उसका रिजल्ट आता आपको फोर्टी परसेंट ही आएगा ओके ये भी लगा था खूब गुरुत्वपूर्ण कथा मैंने हम लोग ये मिनट या एक घंटा में फोर्टी फाइव मिनट में इतना बात नहीं कर सकते মানে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব মেমৰ কথাটো ক'লে মেমে ইউ এছ এৰ পৰা এইবিলাক শিকি আহিছে পঢ়ি আহিছে ইমান দিন অধ্যয়ন কৰিছে বুজিছে এপ্লাই কৰিছে মানুহৰ লগত আৰু সেইবাবে চাগৈ তেওঁ বহুতখিনি কথা বুজি পাইছে গম পাইছে তথাপি মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ তেখেতৰ পৰা কথাবিলাক উলিয়াবৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিছে মেম ফাইভ 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 ইয়ে মেনিফেষ্টেশ্যন মেনিফেষ্টেশ্যন কা মতলব কিয় হতাই আগৰ আমি আপছে পুছোঁ চক্ৰপাণীজী আপ মোৰকো চম যায়গৈ मैं वही बता रहा जो मैंने जो मेरे अंदर जो ये होता है ना चाहिए चाहिए हाँ वही तो है ना हाँ वही है तो, तो है आपको जो चाहिए आपको क्यों नहीं मिल सकता बताइए अब आपको एक कपड़ा खरीदना है आपको क्यों नहीं मिल सकता खरीद सकते हैं ना पैसा दिया खरीद लिए आपको वो तब नहीं मिलता जब उतने पैसे नहीं है आपके पास करेक्ट तो हम मैनिफेस्टेशन तब फेल करते हैं जब हमको अंदर में डर लगता है ये इतना तो मेरे पास नहीं है तो मैनिफेस्टेशन का मतलब अगेन है फ्लो विश्वास से मिलेगा तो ट्रिपल फाइव टेक्निक वर्ल्ड रेनाउंड टेक्निक है और मैं ये अपने दर्शकों को सिखाऊंगी okay. आप इसमें ट्रिपल फाइव का मतलब है फाइव 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 आप पांच तारीख को ये काम कीजिए तो बहुत अच्छा है मंथ के फिफ्थ को ठीक है ट्राई टू यूज द पावर ऑफ फाइव ठीक है अब इसमें आपको करना क्या है हुँ. आपको फिफ्टी फाइव टाइम्स फाइव डेज तक ठीक है फिफ्टी फाइव टाइम्स फाइव डेज तक आपको अपने विश लिखने हैं ठीक okay. है तो आज समझिए फिफ्थ को आप ये स्टार्ट करिए तो फाइव का पावर मिला पांच फिफ्टी फाइव टाइम्स फाइव डेज तक आप अपने विश लिखिए इन प्रेजेंट टेंस तो फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग टेन लाख अ मंथ मैं दस लाख रुपया महीना कमा रही हूं प्रेजेंट टेंस कमाऊंगी इस फ्यूचर टेंस इसको पचपन बार फिफ्टी टाइम्स तो हो गया फाइव फाइव इसको जब आप पांच दिन और लिखते हो तो फाइव 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 या तो आप फिफ्थ को शुरू करो या इसका बहुत अच्छा दिन है फुल मून के दिन शुरू करो पूर्णिमा ठीक है पूर्णिमा से आप जब पाँच दिन लिख लेते हो उसके बाद ये एनर्जी आ जाती है और फिफ्थ डे के बाद सिक्स डे आप इसको जला दो आप जब इसको जला देते हो तो यूनिवर्स में एनर्जी चली जाती है कि भगवान आपको बोल रहा है तथास्तु मैं आपका काम कर दूंगा ठीक है कोई भी आपके लाइफ के डिफिकल्ट गोल्स है आप इसको ट्राई करो मेरे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स ने इमेंस रिजल्ट देखे हैं और मैं खुद भी बहुत बिलीव करती हूँ ये, ये होता है ट्रिपल फाइव टेक्निक एंड थ्री सिक्स नाइन टेक्निक ये दो टेक्निक बहुत पावरफुल है तो आपने ट्रिपल फाइव पूछा तो ये मैंने आप लोग को समझाया एक थ्री सिक्स नाइन टेक्निक है जिसको निकोला टेस्ला टेक्निक बोलते हैं थ्री सिक्स थ्री सिक्स नाइन और ये आपको क्या करना है आपको दिन में तीन टाइम जैसे आप लंच ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं तो मॉर्निंग में अपने विश को तीन टाइम लिखेंगे लंच पे आप विश को छह बार लिखेंगे डिनर पे नौ बार लिखेंगे इसको आप मिनिमम थर्टी डेज तक कंटिन्यू कीजिए। डाइनिंग टेबल पे आप कहीं भी लिख सकते हो आप यहां पे भी लिख सकते हो मेरा बोलने का मतलब है जैसे आप बोलते हो ना आफ्टर लंच आफ्टर ब्रेकफास्ट तो थ्री थ्री सिक्स नाइन का मतलब है मॉर्निंग लंच एंड डिनर तो तो आप, हम पेन लेके ऐसे ऐसे हाँ एकदम आप एक विश डायरी बनाइए मैनिफेस्टेशन डायरी बनाइए okay. उसको आप प्रॉपरली कवर कीजिए उसमें आपके गोल्स को फोटोग्राफ्स लगाइए तो दिस बिकम्स योर मैनिफेस्टेशन डायरी अब उसमें आप ट्रिपल ट्रिपल फाइव करना चाहते हैं कि थ्री सिक्स नाइन करना चाहते हैं आपका विश है आप उसको लिख दीजिए थर्टी डेज के बाद जनरली मेरा ये बिलीफ है कि आपको बर्न कर देना चाहिए क्योंकि जब आप बर्न करते हो वो यूनिवर्स तक चला जाता है लेकिन अगर आप अपने पास रखते हो कोई चीज तो आप स्टाक कर रहे हो

और डिटेल्स में जाना चाहते थे लेकिन टाइम भी इतना नहीं है मैम तो मैम का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप जाके वहाँ से सीखिए वहाँ से जि जितना हो सके वहाँ से सीखिए सो मैम मैं और दो तीन क्वेश्चन रखता हूँ हम लोग संडे से मैं सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार बार शुक्रवार होने सेवन डेज होता हाँ। है उस डे में हम लोग कौन सा कलर का ड्रेस पहने ऐसा कुछ होता है होता है जरूर होता है आ, अब आप ये देखिए हमारे प्लान आज आप रिंग्स पहन रहे हो ठीक है सा, ये सारे क्यों पहन रहे हो प्लैनेट्स प्लैनेट्स है ना हाँ। हमारी जिंदगी में प्लैनेट्स का बहुत स्ट्रांग रोल है आप कोई भी पूजा करते हो नवग्रह की पूजा करते हैं है ना तो हमारे सोलर सिस्टम में नौ प्लैनेट्स हैं तो हमारी एनर्जी क्या है हम क्या कर रहे हैं हमारा लाइफ कैसा है ये प्लानिट्स डिसाइड करते हैं एवरी डे इज अ प्लानिट जैसे मंडे इज मून ठीक है मंगल इज ट्यूजडे इज मंगल मंगल वेडनेसडे इज बुध ठीक है मर्क्यूरी मर्क्यूरी एंड थर्सडे इज जुपिटर जुपिटर तो ये सारे प्लैनेट्स के डेज है तो सेम वे अगर आप मंडे क्योंकि मून का प्लैनेट है व्हाइट पैन लो मंडे व्हाइट हां हाँ, मंडे आप व्हाइट पहन लो ट्यूसडे मंगल का प्लैनेट है आप रेड पेन लो वेडनेसडे बुद्ध मर्क्यूरी बुद। का प्लैनेट है आप ग्रीन पेन लो थर्सडे जुपिटर का प्लैनेट है आप येलो पहन लो तो दिस इज एक्चुअली येस एंड दैट इज वाई मे बी यू आर इन येलो टूडे तो सो समवेयर साई बाबा इज जुपिटर नॉर्थ ईस्ट साई बाबा इज द वास्तु में भी गॉड्स है तो साई बाबा इज नॉर्थ ईस्ट के गॉड अगर घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो जुपिटर होता है okay. और वो साई बाबा वहां के लॉर्ड है तो सेम वे अगर आप येलो पहन रहे हो तो आप अपना जुपिटर को एनहानस कर रहे हो और जुपिटर क्या होता है ग्रोथ जुपिटर पैसा है जुपिटर तरक्की है जुपिटर आपको बहुत बड़ा आदमी बनाता है तो इसीलिए लोग जुपिटर को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं पुखराज पहनते हैं mm. आ, हमारे वर्ल्ड में हम सिट्रीन पहनाते हैं okay. तो okay. वो सिट्रीन इज वन क्रिस्टल ऐसे येलो okay. कलर का मिलता है एंड दिस इज एज गुड एज पुखराज एंड दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पावर टू मेक यू रिच ओके सो अगर आप जो कपड़ों की बात कर रहे हो आप अगर आपका बिलीफ सिस्टम है आप कपड़े पहन सकते हो दूसरा तरीका है आप वो तरीका का अनाज दान भी कर सकते हो जैसे मंडे इज मून का डे तो चंद्रमा आप वाइट चावल नहीं, चीनी ठीक है दूध ट्यूसडे इज मंगल आप लाल मसूर दाल दान कर सकते हो वेडनेसडे इज मर्क्यूरी आप ग्रीन दाल दान कर सकते हो तो इस तरीके से हम प्लैनेट्स को लाइफ में आ, मिक्स करके लोगों को एनर्जी देके उनका जिंदगी में जो भी इशू है उसको सॉल्व कराते हैं मैम ऐसा क्वेश्चन मेरा हर, रहता है तो लाइफ क्या होता है जीवन क्या है सक्सेस क्या है उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप मेरे को बताइए ना जी लाइफ क्या है जर्नी है मेरे लिए ओके okay. और ये जर्नी जर्नी करके अच्छा लगता है अगर मेरा काम नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा तो काम ही करना है मुझे हाँ ला, तो लाइफ एक ऐसी जर्नी है जहाँ कर्म होते हैं कर्म माने आप जो काम बोल रहे हो और मेरे हिसाब से लाइफ वो जो मशीन होती है ना जो मॉनिटर करती है ऐसे हार्ट रेट को वो है अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन्स है तो कुछ लोग जब बोलते हैं दीदी -दी, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो मैंने उनको बोला जब ये मशीन रुक जाएगी ना तो आप मर जाओगे exactly. तो ये अप एंड डाउन हैज़ टू बी देर टू लिव अदरवाइज भगवान नहीं है अगर आपके लाइफ में अप एंड डाउन नहीं है नहीं। तो आप क्यों भगवान को मानोगे आप क्यों मेरिकल को मानोगे आप क्यों इंसान को मानोगे तो ये जो लाइफ है ना ये अप एंड डाउन है तो जब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मैं ही क्यों तो आप समझो कि हम जिंदा हैं इसीलिए ये अप एंड डाउन है एंड चेरिश द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन इट इज अ गिफ्ट टू बी ओके मैम और सक्सेस हम लोग बोलते रहते हैं ना हाँ मिल गया सक्सेस कैसा सक्सेस है सक्सेस इज आई थिंक योर विजन इन लाइफ आपके लिए हो सकता है सक्सेस इज टू मीट वेरी इंपॉर्टेंट पीपल है ना mm -hmm. हाँ मैं उनसे मिल लिया मैंने ये शो मैने यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मे बी मेरे लिए सक्सेस इज वेन आई सी स्माइल ऑन फेसेस कि हाँ मेरा ये क्लाइंट आज mm -hmm. खुश है ठीक है डॉक्टर्स के लिए सक्सेस एक सर्जरी है mm -hmm. जो पेशेंट को हील कर दिया बच्चों के लिए सक्सेस एग्जाम है तो आई थिंक ये जो जर्नी ऑफ लाइफ में हम किस एज के हैं और हमारा सक्सेस डिपेंड करता है कि हमारे लाइफ का उस समय का गोल क्या है तो सक्सेस भी बहुत ही आई वुड से कि अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस का अलग अलग मीनिंग है किसी के लिए पचास लाख रुपया महीने आना सक्सेस है किसी के लिए एक लाख रुपया में भी सक्सेस है तो बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है सुख क्या है सुख क्या है I think सुख आंतरिक है, अंदर। अंदर अंदर है बाहर नहीं है तो सुख इज वेन यू कैन मेडिटेट एंड सिट अलोन एंड एंजॉय सुख ये नहीं कि आप पचास लोगों के बीच में खुश दिख रहे हो सुख इज आप अकेले कितने खुश हो अगर मेरे पास मेरे साथ जो लोग खारा होता है जो लोग हैं मैं कैसे पहचानूँ कि वो लोग अच्छा है या नहीं है वो लोग मेरे लिए क्या सोचता है मैं कैसे पहचानूँ देखिए हम लोग तो हीलर्स एक टेक्निक सिखाते हैं जिसको स्कैनिंग बोलते हैं कि आप घर को स्कैन करो लोगों को स्कैन करो बट अगर आप देखोगे कि तो हमारे अंदर एक गट फीलिंग होती है गट सुना है आपने हाँ, कुछ होता है हाँ अंदर से एक पेल्पिटेशन हाँ, जैसे हाँ, हाँ। तो हमारी बॉडी ना एनर्जी को बहुत समझती है जैसे आप किसी के घर जाओ अरे इधर की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही हुँ, हुँ। आप किसी के घर जाओ बहुत अच्छी एनर्जी है आप किसी के साथ घंटों बात कर सकते हो जैसे हाँ। हम लोगों ने अभी <laughs> एक एक घंटे दो दो घंटे एंड यू डोंट सी द टाइम मजा आ रहा है और किसी के साथ पंद्रह मिनट यार ये जल्दी जाए तो दिस इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ पीपल

प्लेनेट्स जो होता 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 है 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 से हम लोगों का 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 स्किन स्किन कुछ प्रॉब्लम प्लेनेट होता है? होता है। के साथ रिलेशन वहा हाँ, 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 बहुत स्ट्रॉन्ग तो ये मंगल होता है तो जैसे फेस में काले धाक दबे हो जाते हैं ये सारे मंगल कराता है ठीक है तो आपके इसीलिए जब कोई चीजें दवाइया नहीं सॉल्व कर सकती आपको बार बार डॉक्टर के जाना पड़ रहा है डॉक्टर्स भी आपको क्या देंगे स्टेरॉइड अगर आपको लग रहा है आप इधर से भी हील नहीं हो रहे तो आप अपने प्लानिट्स को दिखाओ जैसे बुद्ध बुध भी uh, आपके स्किन में सोरियोसिस mm. ये सारी बीमारियां mm. तो बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है बिटवीन प्लैनेट्स एंड योर स्किन बिटवीन प्लैनेट्स एंड डिजीजेस लाइक इफ़ मंगल डिप्लीट होता है तो ब्लड का बीमारी आता है ब्लड कैंसर आ जाता mm. है क्योंकि मंगल होता ही खून है. Ah, ah. तो, uh, है तो अगर खून में कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मंगल को हम लोग चेक करते हैं एस्ट्रोचार्ट्स में तो ये जैसे अगर किसी का पैर काट दिया गया है विकलांग हो गए तो शनि को चेक करते हैं mm. तो ये सारी चीज़ें प्लानिट से बहुत कनेक्टेड है, okay. 2024, का, दिन है। का है। हाँ। तो, तो 2024 में क्या होगा लोगों को क्या करना पड़ेगा 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर इज अ वेरी गुड ईयर फॉर जिनके भी शनि uh, अपने प्ला, प्लान में है तो इज अ वेरी गुड worked फॉर पीपल हुनि क्या करते हैं वो देखते हैं कि किसने मेहनत किया और चीट नहीं किया तो जिन लोगों ने मेहनत की है यस या इंक्लूडिंग मी बहुत, बहुत मेहनत करते तो, आ, आज दर, आज दर, हाँ. हाँ कल भी मैंने सुना आप रात को दो बजे तक काम कर रहे थे तो देखिए जिसने मेहनत की उसको शनि पहचानता है okay. और शनि क्या करता है ना एक दिन में आपको रिजल्ट देता है hmm. लंबा काम कराएगा रिजल्ट एक दिन में देगा तो कुछ तो हम सब बहुत अचीव करने वाले हैं जिन्होंने मेहनत की वेरी गुड ईयर 2024 जस्ट वन कौशन मैं सबको बोलूंगी कि एवरी डे चेक वॉट कर्मा यू आर क्रिएटिंग आप क्या कर रहे हो hmm. आपके कर्म से किसी और को तकलीफ नहीं हो रही hmm. आपने कितना किसी को चीट किया ठीक hmm. है ये सारे कर्म का कैलकुलेशन शनि कर रहे हैं एंड टीचर स्ट्रिक्ट टीचर दैट इज वाई हम सब शनि से इतना डरते हाँ. हैं पर शनि इज आए तो मैं तो बोलती हूँ सबसे अच्छा प्लानिट है हाँ. क्योंकि रिजल्ट देने में वो सबसे बेस्ट है हाँ. तो जब मैंने कर्म अच्छे किए मेरे को डर ही नहीं लगता स्ट्रिक्ट टीचर है स्ट्रिक्ट टीचर है अगर मैं कुछ काम नह, ना करूँ अच्छा मेरे यहाँ पे सब कुछ लिखा है जी मैं कुछ ना करूँ जी मैं बैठा हूं बस मैनी फॉर ओनली फॉर माई थॉट तो हो सकता है कुछ कुछ अगर मैं काम नहीं करूँ अगर आप काम नहीं करें हाँ? और आप अपने थॉट को क्या बोलेंगे कि लगे रहो काम करते रहो अच्छा <laughs> लिखा तो, हुआ हाँ, है हाँ तो अगेन मैंने अभी आपने लास्ट मेरे से जो बात की वो शनि की बात की है एग्जैक्टली exactly. तो नो नो कर्म एंड ओनली थॉट विल विल मेक यू जीरो बी मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन उसका मतलब क्या है कि आप जो सोच रहे हो आप वो कर रहे हो कर रहे हो हाँ. तो अगर आप सोच के नहीं कर रहे हो तो दे विल बी नो मैनिफेस्टेशन तो आपके थॉट एंड आपके एक्शन को हमेशा अलाइनमेंट में रहना होगा हम्म जैसे ट्रेन का सीरी होता है एकदम सही बोला आपने एक साथ एकदम एक सही बोला अभी एग्जाम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जी। कुछ तो बता के जाना पड़ेगा आपको स्टूडेंट अब टेंग्जाम का एग्जाम आ रहा है जी, आ, का, आ रहे, है। जी। है। का आ रहा है तो क्या करें उन लोग तो अभी बच्चे और मदर्स मेरे पास सबसे मैक्सिमम क्लाइंट्स हुई हैं अभी और बच्चों के साथ भी परेशानी क्या हो रही है बच्चे स्कोर तो इतना हाई कर रहे हैं हमारे ज़माने में तो कोई 99 नाइन परसेंट लाता ही नहीं था हाँ। लेकिन टेंशन ये है कि बच्चे डिस्ट्रैक्टेड बहुत है गैजेट्स ठीक है बच्चों को बाहर दोस्तों में जाना है कोई पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है बच्चों का कंसंट्रेशन वीक हो रहा है क्यों वीक हो रहा है क्योंकि इतने जो अपने बोल रहे हैं ना 4G 5G जितना एडवांसमेंट हो रहा है ये जो एनर्जीज़ है रेडिएशन की वो तो जा रहे हैं ये जो थे, आप बोल इतने तार हैं टाटा स्काई बॉक्सेस आपके इतने सारे हम लोग के इंटरनेट कनेक्शन ये सारे हमारे हमारे माइंड को अगर आप साइंटिफिकली देखो तो श्रिंक कर रहा है तो बच्चे बच्चों की क्या गलती है आप सिर्फ एनर्जी वर्क करो हम एज़ हीलर्स हीलिंग करते हैं हम बच्चों के चक्रास को हेल्प करते हैं कि वो फोकस करें कंसंट्रेट करें आप सिर्फ थोड़ा सा काम करो आप बच्चों का ये जो इसको बोलते हैं ध्यान चक्र ठीक है थर्ड आई इसमें आप एक रोज़ मैरी ऑयल मिलता है रोज मैरी आर ओ एस सी एम ए आर वाई ये अमेजन में भी इजीली मिलता है ये शॉपर स्टॉप में भी मिलता है सब जगह ये ऑयल को ज़रा सा एक लेके बच्चे के यहाँ लगाना स्टार्ट कीजिए बच्चे का धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा ठीक है दूसरा बच्चों के हाथ से तो बृहस्पति थर्सडे इज अ डे ऑफ जुपिटर ग्रोथ बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा तो बच्चे के हाथ से केला दान कराइए और वो भी मंदिर में या गाय को खिलाइए, अगर आप ये दो चीज भी करते हो आपको दिखेगा कि आपका बच्चा पढ़ाई में सीरियस हो रहा है और हाँ कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जैसे एमिथिस्ट क्लियर कॉड्स ये सीधा पढ़ाई में मदद करते हैं तो ये बच्चों की टेबल पे लगा दीजिए तो ये बहुत ही इजी रेमेडीज है ओके ओके मैम टाइम इज ओवर सो मैं लास्ट एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैम आपसे आप खुद का वो क्या बोलते हैं उसको देखते हैं जो आपका वाइग होता है आपका जो अच्छा वो खुद का देखते हैं आप आ, नहीं हम नहीं देखते हैं क्योंकि आ, ये एक बैक साइड ऑफ ये जर्नी है कि आप खुद की जर्नी नहीं देख सकते तो हम अपने कर्मा से अपनी जर्नी को बेटर कर सकते हैं लेकिन आपकी डेस्टिनी तो ज, जैसे डॉक्टर्स भी जो होते हैं ना अपने घर की सर्जरीज नहीं करते आ, हाँ वो बड़े दूसरे डॉक्टर्स को दे देते हैं हाँ, लेगा। हाँ क्योंकि वहाँ एक अटैचमेंट है ये काम डिटैचमेंट वाला है आपके लाइफ में मेरा कर्मा नहीं है ये मैं मैंने कुछ सीखा है मैं चैनल बन रही हूँ तो देर इज़ नो अटैचमेंट यर आई एम वर्किंग बिकॉज आई एम अ चोजन चैनल बट जहाँ पे आपने अटैचमेंट ले आया mm -hmm. वहाँ पे मैंने ये किया अच्छा इसका माथा दर्द बंद mm -hmm. हुआ ना मैं जहाँ दस बार कर रही हूँ तो मेरा मैं बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ईगो okay. आ जाएगा और जहाँ ईगो आ जाएगा वहाँ ये सारी शिक्षाएँ खराब हो जाती हैं तो आप अपने घर में जल्दी से ना हीलिंग कर सकते हो ना आप जल्दी से अपनी पत्री देख सकते हो लेकिन यस जो इतने लोगों का लाइफ चेंज हुआ उनकी ब्लेसिंग से मेरा बहुत मेजर लाइफ शिफ्ट हुआ है ओके मैम थैंक यू सो मच मैम थैंक यू ईमान बसी ভাল লাগিলে কথা পাতি আর এইখানে সময় কেতিয়া পার হই গল গমেনা পাও গদিকে মই আশা কৰিছো ম্যাম আপক কেসে মিলে লোক আপ আপসে কানেক্ট কেসে কৰকতে মইৰ দৰ্শক मैं गुवाहाटी हर तीन महीने में आती हूँ लेकिन कलकत्ते में आप मेरा एड्रेस फ़ोन नंबर आप शेयर कर दीजिए लोगों दिखे, के साथ मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ज़ूम में करती हूँ वास्तु करती हूँ मैं चार्ट्स देखती हूँ मैं क्लासेस लेती हूँ और घर के विजिट्स अभी भी गुवाहाटी में आके हम लोग हो फैक्ट्रीज़ घर लैंड सब देखते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हो प्री बुकिंग के साथ मैं पर्सनली बात करती हूँ और उसके बाद आप अपने सेशनस ले सकते हो सो so, मैमक पा कारण तलब तो डेस्क्रिप्शन नंबर आब मैम यूट्यूब चैनल चाह और लोग लो तो बेलेगे कनेक्शन आसे मैं जाना मतलब आसाम के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आप कुछ काम कर रहे हैं जी. वो लोग आपको पर्सनली मैं दर्शना मैम ने बोला कि जी. नहीं मैं आप आपको ही वो विश्वास करते हैं आपसे ही जो दोस्त वगैरह वगैरह वो होता है दिखाते हैं ऐसे तो आसाम में बहुत लोग हैं आपके पास Uh, देखिए एक चीज़ मेरा विश्वास है कि ये बहुत ही एक सुंदर भगवान ने गिफ्ट दिया है और मैं इसको मिस नहीं कर रही लोगों के विश्वास के साथ जी, चीट जी, नहीं जी, कर रही दर्शना मेरे को यहाँ तक पहुँचाई हैं आपके पास लेके आई हैं और उसने भी विश्वास ये हमको टाइम लगा आज हमारी जर्नी है और काफ़ी कुछ उसके लाइफ में शिफ्ट हुए है हैं और उसका विश्वास बन गया है और इसी तरीके से हम काम करते हैं काफ़ी लोग हैं हमारे जी, साथ आसाम का, काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं और आशा करती हूँ कि मैं आगे भी लोगों के साथ ऑनेस्टी uh, से काम आगे बढ़ा सकूं। जी मैम आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू